हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आखिरकार प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम सीखेंगे एस एन के बारे में, मतलब दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ई पी। मुझे पता है अब तक आप लोग नहीं समझ गए होंगे कि मैंने क्या भी बोला या तो सम होता है, ये एस एन का मतलब होता है सम, एस यू एम, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ई पी। तो जब भी सम वर्ड यूज़ किया जाता है तो आप लोग समझ जाना है एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट ने हम में हमने क्या सीखा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आज हम जो फार्मूला सीखने जा रहे हैं ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं बताना चाहता। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एस एन का फार्मूला क्या है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जब सॉल्व करते हुए आसानी से हम देख सकें फार्मूले को। ठीक है, ये तो आप लोगों को ये भी स्टडी करना है था ही, अब ये भी स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। तो डायरेक्ट सम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए, मतलब फार्मूला में जो है वो मेंशन किया है, तो हम सब टर्म्स लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म इज 6, ए मत ए इज 6, कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज 3। ओके, फाइंड S27, या S27। तो एन क्या होगा, यहाँ पर 27 होगा, मतलब मैं यहाँ पर रफली बता रहा हूँ इसकी तरह ही है। तो एस एन इज इक्वल्स टू वही फार्मूला लिखो, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, S27 फाइंड आउट करना है, तो 27 अपॉन टू, ओके, टू ए, ए क्या है 6, प्लस एन क्या है 27 माइनस वन, और डी क्या है 3। अब S27 को नीचे ही लाते हैं, ये तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं कुछ नहीं करना चाहता बिकॉज डिवाइड भी नहीं होगा। 6 2 12, और 27 माइनस वन कितना होता है 26, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों। ओके, ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री, 6 3 18, 3 2 6 78 प्लस 12 90 90। ओके, तो अगर मैं इसको कट करूँ तो ये क्या होता है 45। ओके, 27 इंटू 45, आप चाहे तो खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो ये मल्टीप्लाई करके, इतना तक तो मैंने किया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या है आंसर। ठीक है, इतना ही करना है, डिवाइड करना है और ये मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो फिलहाल इसे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वही 2 का टेबल अपना, तो 123 इवन नेचुरल नंबर्स बोले। ठीक है, तो इसका मतलब है S123 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन, बराबर एस यू एम सम लिखा है, मतलब S123 फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ओके, और यहाँ पर कुछ इवन नेचुरल नंबर, मतलब मैंने जैसे भी मैंने कहा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, अभी इसकी मदद से आप फर्स्ट टर्म जो है 2, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 4, सेकेंड टर्म लेना है माइनस द फर्स्ट टर्म 2, बड़ा नंबर कौन सा है 4, उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो डी है 2। और उसके बाद और कुछ है, एन इज इक्वल्स टू 123 हो रहा है क्योंकि इसका, तो सिमिलर वे में करना है जैसे फर्स्ट सम में किया था, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो S123 डिवाइड बाई 2, इसको मत डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज़ रखो और आगे का सॉल्व करो, 2 इंटू 2
और 123 माइनस 1 टू टू ज़ा 4 122। ओके ये मैं बार बार नहीं लिखूँगा, फिर ये एक मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 123। अभी देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस करने पर क्या आ रहा है 248। ओके 248 आ रहा है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो 123 × 124। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग खुद से भी ट्राई मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप चाहे तो पॉज कीजिए, उसके बाद मैं देखूँगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसमें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन बिटवीन लिखा है बिटवीन 1 एंड 350। तो जैसे कि मैंने कहा इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 है, 2 का टेबल, और उन्होंने बोला बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है उनके बीचों बीच। तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर 2 4 6 8 डॉट 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 और लास्ट में 350 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, मैं कर रहा हूँ डिवाइड, तो ये जा रहा है 350 भी 2 से जा रहा है, लेकिन बिटवीन दिया है बिटवीन मतलब आसपास, तो 350 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके जब भी याद हमेशा याद रखना लास्ट का जो नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, वो कभी नहीं लेना रहता जब बिटवीन पूछा जाता है। उसके सेकेंड लास्ट देखो, सेकेंड लास्ट नहीं जा रहा तो थर्ड लास्ट देखो, तो थर्ड लास्ट में क्या हो रहा है 348 जा रहा है, 349 नहीं जाता डिवाइड करने पर 2 में, 350 जा रहा है, लेकिन बिटवीन बोला है। इसके लिए ये ट्विस्ट समझने की कोशिश करो, बिटवीन बोला है तो लास्ट का जो नंबर है 350 वो नहीं कंसिडर करने, सेकेंड लास्ट अगर उसमें जा रहा है 2 से तो ठीक है, नहीं जा रहा हो तो थर्ड लास्ट देखो। ओके तो थर्ड लास्ट मुझे मिला है 348, 349 नहीं जाता। ओके तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, 348 क्या होता है TN होता है, SN नहीं होता TN होता है, ये बात याद रखना, लास्ट नंबर TN होता है। तो फर्स्ट टर्म मिला 2, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2, बड़ा नंबर तो 4 है, उसके आगे कोई साइन नहीं है। TN क्या है 348। अब SN हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले जो N है ना ये फाइंड आउट करना है, ताकि हम वो S जो भी आंसर मिलेगा वो सॉल्व कर सकें। तो TN का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, TN इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो TN का क्या वैल्यू है 348, A इज 2, N नहीं दिया गया है और D 2, 348 लेंगे 2N माइनस 2। अभी देखो यहाँ पर ये और ये कट हो रहा है 2N 348। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेटर होगा ना, डिवाइड करने के लिए अच्छा होगा। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 1 ज़ा 2 7 2 ज़ा 14 4 2 ज़ा 8, तो मुझे 174 मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो अब n का मिला है 174। अभी हम s 174 कैलकुलेट करेंगे, जो सम है s वो, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अभी देखो यहाँ 174 लिख देंगे डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 2, n क्या है 174 माइनस 1 और d क्या है 2, ये एज इट इज ही रखते हैं वो बेटर है। 2 2 ज़ा 4 173 2 2, ऐसा लिख दो फटाफट। देखो 173 2 करते 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 3 346 प्लस 4 करो ये 50 हो रहा है 350। थ्री फिफ्टी हो रहा है, इसको चाहे तो डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, एनी हो रहा है डिवाइड, इसके लिए 174 को ही करते हो बेटर है। 2 8 ज़ा 16 7 2 ज़ा तो 87 84 लिख दिया मैंने, बेटा 8 2 ज़ा 16 7 2 ज़ा 14 तो 87 हो रहा है। तो 350 × 87 इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ये डिवाइड किया मुझे मिला 87।
87 इंटू 350 कितना होता है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट 56, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ओके, तो देखो ये एपी मतलब टी 19 की बात हो रही है, और एक टी 19 का क्या है 52 है, और टी 38 इज 128 जैसा बताया गया है। अभी देखो इन लोगों ने 56 टर्म फाइंड आउट करने बोला, इसका मतलब हम लोग को ऐसा सॉल्व करना है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिले। तो टी 19 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 माइनस 1 डी, मतलब वो टी एन का फॉर्मूला लेना। टी 19 का क्या है 52, ए प्लस 18 डी, ये फर्स्ट करेंगे। टी 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस 38 माइनस 1 डी, 38 क्या है 128, 37 होता है इसको माइनस करने पर डी। अभी एक इक्वेशन की तरह बन रहा है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं किस तरह से। ये पहले लेते हैं, सेकंड बड़ा नंबर है ना, ओके मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर देता हूँ, जैसे कि 2a ये प्लस करने पर कितना होता है 7, 15 हो रहा है, 55 हो रहा है, 55d, और इसको प्लस करनी है 19, इट्स 180, ओके। तो कुछ इस तरह से हो रहा है स्टूडेंट्स, मैं इसको साइड में रखता हूँ। अभी हम जो हमें पूछा गया है कि सम ऑफ 56 टर्म, तो एस 56 करेंगे, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो देखो एस 56 में तो 56 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2a तो नहीं दिया गया है, a का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, n माइनस 1d, n क्या दिया है 56 माइनस 1d। इसको मैं डिवाइड मारते हैं, जैसे कि डिवाइड करने पर 28 हो रहा है, बराबर 2a 55d। अभी देखो एक जादू देखो यहाँ पर, 28 और ये 52a 55d, देखो इसका वैल्यू क्या है 180, तो मैं इसकी जगह 180 डाल देता हूँ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 180 मल्टीप्लाई बाय 28 तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है, ओके। तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इधर इन लोगों ने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 का टेबल ही बोल रहे हैं लोग, 1 से लेके 140 तक, ठीक है, ओके। सो 4 का टेबल है, 4 1s 4 2s 8 4 3s 12 4 4s 16 ... अभी इन लोगों ने देखो यहाँ जैसे उसमें था प्रीवियस थर्ड सम में, अगर आप देखो तो 1 से लेके 350, इधर भी सेम वे में है 140 है, मतलब आपको लास्ट का सर्च नहीं करना है, पीछे उसके सेकंड लास्ट से शुरू कीजिए। तो जैसे जैसे मैंने अपनी तरफ से देखा है तो लास्ट में क्या आता है 136 आता है, 137 नहीं जाता, 138 नहीं जाता, 139 नहीं जाता, 140 को तो इग्नोर ही करना है, तो जा रहा है एग्जैक्टली 136 में। तो ए क्या है 4, अभी ये टी एन का वैल्यू होता है, थर्ड सम की तरह ही है, और डिफरेंस क्या है 8 - 4, तो 4 हो रहा है, बराबर बड़ा नंबर कौन सा है 8 है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, देखो 8 - 4 कितना होता है 4, साइन देखो पॉजिटिव आता है, टी एन इज़ 136, थर्ड सम की तरह है स्टूडेंट्स। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, अब वो ये एन फाइंड आउट करना है, तो 136 है, टी एन की जगह 4 एन माइनस 1 4, 136 नीचे लाइए, ये 4n - 4, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 136, ये देखो ये कट हो जाएगा बिकॉज माइनस हो रहा है, 4n आ रहा है, 4n को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि इजी पड़े, प्रीवियस सम की तरह, थर्ड सम की तरह। अभी देखो 4 3s 12, देखो 4 3s मैं डिवाइड कर रहा हूँ इधर, 4 3s 12,
फोर फोर ज़ा 16, तो 34 आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके अभी हम ये एस 34 का लेते हैं, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी 34 डिवाइडेड बाई टू करते हैं, टू क्या है, टू इंटू फोर, ए का वैल्यू है 4, एन है 34 माइनस वन और डी क्या है 4। देखो डिवाइड करते हैं 34, 17, 17 फोर टू ज़ा 8, 33 इंटू 4, 140। ओके मैं ये मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, बिकॉज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है ना, इसके लिए आप ऊपर नीचे किया गया इसके लिए। ओके 707 4 28 7 8 9, तो आंसर है 2380। ठीक है 2380। तो आप चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, मतलब 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। ओके इन लोगों ने बोला है कि एस 55 जो है उसका वैल्यू है 3300, मतलब 3300 जो हम कह सकते हैं। फाइंड इट्स 28 टर्म, T28 फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है तो पहली बात मैं क्या करूँगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, वो अपने को ए और कॉमन डिफरेंस वो सब फाइंड आउट करना है। सो लेट्स कंसिडर दिस फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ये फॉर्मूला, तो एस 55 तो मिला है हमें, तो ये 55 अपॉन टू टू ए ये फाइंड आउट करना है। एन क्या है 55 माइनस वन और डी तो दिया नहीं गया, तो हम लोग को ये ए और डी फाइंड आउट करने क्या, तो इसके जगह मैं लिखूँगा 3300। मैं 33300 बोलना चाह रहा हूँ, गलत है, 3300 या 3300 अपॉन टू टू ए और 54 है बराबर, 55 54, तो इसको साथ में लिख देता हूँ डी, 54 डी है। ओके रुको मैं वापस से यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। ऑलराइट ऐसा अभी हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये जो है इसका मैं कॉमन लेता हूँ। कैसे लूँगा, देखो टू को कॉमन लेते हैं, टू बाहर लेते हैं और इसको डिवाइड करेंगे, 54 डिवाइड बाई टू, टू वन ज़ा टू, नहीं सॉरी टू टू ज़ा फोर और सेवन टू ज़ा 14, तो 27 डी। ठीक है अभी मैं क्या करूँगा, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई या तो डायरेक्ट कट ही कर देता हूँ, वो बेटर है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है अभी इसको डिवाइड करेंगे और इसको एज इट इज़ रखेंगे। देखो जैसे कि मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना है, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, फिर मत कहना कि यार सर आपने ऐसे ही कर लिया। ओके तो आंसर आ रहा है 60, इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा आंसर है 60। ओके तो ए प्लस 27 डी कितना हो रहा है, इसका वैल्यू है 60, तो हम लोग इसको साइड में रखते। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना था, T28, तो उसे सॉल्व करते पहली बात, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। T28 ए तो नहीं दिया गया है, 28 माइनस वन डी, अब यहाँ पर एक मिराकल हो रहा है, 27 डी T28। अभी देखो
दिख रहा है, ए प्लस 27D, ए प्लस 27D, क्या आंसर 60। तो T28 का आंसर क्या भी है 60। ओके सो इसे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए भगवान, इन एन एपी सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में अगर बताऊं, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कितना होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब ये आप लोगों को थ्री और फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते तो आप लोगों को आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख के रख रहा हूँ, पहले इसको आप पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और स्टडी कीजिएगा, फिर ये आगे बढ़ते हैं। अभी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म का देखो क्या सीन है। पहला आता है ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी। ओके याद रखना, ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, ये याद रखना। नेक्स्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का क्या होता है, क्योंकि मैंने ये बुक में सब लिखा हुआ है, इसके लिए फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सिंपल है वो ये ए माइनस डी ए ए प्लस डी, और एडिशनली क्या आएगा ए प्लस टू डी। ठीक है, आप इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th वाला। ओके तो इधर क्या बताया है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। तो सम मतलब क्या होता है, प्लस करना है। तो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव जो है आप बोल सकते हो टर्म्स क्या है, ए माइनस डी सम बोला ना, तो प्लस ए प्लस ए प्लस डी विच इज़ इक्वल्स टू 27। और इसके आगे लिखा है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। सॉरी यहाँ थोड़ा मुंगियाँ वगैरह घूम रहे। सो प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या है, थोड़ा स्पेस छोड़ता हूँ ताकि ये सॉल्विंग हो सके, पहले ये सॉल्व करते हैं। चलो ये और ये क्या हो रहा है, 3a पॉजिटिव है, ये और ये क्या हो रहा है देख सकते हो आप लोग, प्लस एंड माइनस माइनस, तो ये कट हो रहा है 27 अपॉन 3 9, अपने को a मिल गया 9। ओके एज फॉर कंसिडरेशन, उसके बाद अभी सेकेंड कंडीशन में क्या रहेगा कि प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 504। तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 504। ओके अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, या इधर एक सॉल्विंग इशू हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस डी द होल स्क्वायर लेते हैं, ये दोनों का फॉर्मूला देखो, जैसे हमने सीखा था प्रीवियस में, ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके तो वैसे यहाँ पर भी है, डी है यहाँ पर, ए माइनस डी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी ए माइनस डी, और ये जो ए है उसको एज इट इज होने में रखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमारे पास है तो 9 लिख दूंगा यहाँ पर, 9 ऐसा। ऑल राइट अभी देखो एक चीज़ हो रही, इधर क्या हो रहा है, ओ सॉरी आई एम रियली सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, आई एम सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, ओ आई एम सॉरी, इसके लिए मेरे से थोड़ा गलती हो गई, सॉरी फॉर फ्रॉम माई साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। ओके यहाँ मेरी गलती होती, सम रॉन्ग हो जाता, तो ये दोनों साइड है, होल स्क्वायर नहीं होता ऐसा। तो 9 नीचे आएगा, 9 9 81, और डी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है 504। अब चाहे तो ये दोनों डिवाइड कर सकते हो, देखो ऐसे 504 डिवाइडेड बाय 9। अभी मैं थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्षमा चाहता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त गंवाना नहीं चाहता इधर। 504 डिवाइड बाय 9 56 हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो डी स्क्वायर है इसको साइड में रखता हूँ, 56 इस तरफ जाएगा तो -81 होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अभी ये भी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, पेन नहीं दो, सॉरी पेन गिर गया। 81
56 माइनस 81 नेगेटिव 25 आ रहा है। अभी एक चीज़ याद रखना, कभी नेगेटिव में रहेगा तो क्या करना रहता है, एक तो वो नंबर जो है वो आप लोगों को पहली बात तो ऐसे इस तरफ लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो हम ऐसे लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन में था तो आइदर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो एक तरफ मैं क्या करूँगा, ये जो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है वो लेकर के हम सॉल्व करेंगे, तो एक एक लेंगे, जैसे कि अपने को डी मिला है तो ए का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, 9 था। अभी क्या था 3 कॉन्जिक्यूटिव में, ए माइनस डी क्या होगा, ए माइनस डी होगा 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 4। बड़ा नंबर कौन सा है, 9, उसके आगे कोई साइन नहीं है। फिर आएगा ए प्लस डी जो था थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वाला, इसका क्या है, एक तो 9 है और प्लस 5, ओके, प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं, माइनस की जगह आपको वो माइनस साइन यूज़ करना है, प्लस की जगह वही पॉजिटिव यूज़ करना है। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव का है 9, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव का है 4 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव का है 14, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए हो, इसे पॉज कीजिएगा, और मेरे से गलती हो गई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो मैं ओपन कर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है। फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12, मतलब ओके, एंड द सम थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 14। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया, देखो ज़्यादातर एग्जाम्स में दिया जाता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ऐसा हिंट की तरह क्वेश्चन में, या तो नहीं भी दिया जाता तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसके लिए मैं आप लोगों को बोला स्टडी करो। तो सम of 4 consecutive terms in an AP, 4 consecutive terms क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, 3 consecutive हुआ और a प्लस 2d ऐड करना है इसके साथ। सम में क्या होता है, ऐसा पूरा प्लस कर दो, और इसका आंसर क्या है, वो सम इज 12, तो सम इज 12। और एक कंडीशन, इधर थोड़ा सा मैं लाइन छोड़ रहा, चलो ये सॉल्व करते वही बेटर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 2 3 4, तो 4a हो रहा है, ये और ये और ये, ये और ये कट, तो इसके साथ ये आ जाएगा, ओके। अब इसका कॉमन ले सकते हैं अपन, देखो 2 लेंगे कॉमन, 2ad इज इक्वल्स टू 4, ओके, या तो फिर ये 12 ही ले लेते हैं, बेटर है, रुको इतना ही करते हैं। कॉमन लिया मैंने, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इसको कॉमन लिया और इधर ले लूँगा मैं ऐसे, रुको मैं समझा रहा हूँ, बस रफली बता रहा था। 2a प्लस डी हो गया 12 डिवाइड बाई 2, 4 6 2 ज़ा 12, तो 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन में इन लोगों ने क्या बोला है कि थर्ड एंड द फोर्थ टर्म, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इसमें अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये और ये, थर्ड एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ना, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तो ये और ये क्या हो रहा है, 2a हो रहा है प्लस 3d 14, ओके, कुछ ऐसा हो रहा है। अभी इसका क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेशन बना सकते हैं इसके 1 एंड 2 करके, लेकिन सेकेंड वाला लेते हैं बिकॉज बड़ा नंबर इधर ये ज़्यादा। तो बेसिकली आप लोगों को वो जो ए और डी फाइंड आउट करना है, उसके बाद सब टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे प्रीवियस सम ने हमने किया था। क्या हम इसको पूरा साइन चेंज कर सकते हैं, यस, बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसके आगे कोई साइन नहीं है, 7 8 9 10 11 12 13 14,
तो डी इज वॉट, डी इज फोर, ओके कॉमन डिफरेंस फोर मिला। अभी हम थोड़ा सा ए को सब्सटीट्यूट करेंगे, आप चाहे तो इनमें से किसी को ले सकते हो, जैसे कि मैं अभी ये वाले ले लेता हूँ, टू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू सिक्स। तो डिवाइड करोगे टू को तो आंसर मिलेगा वन। अभी क्या करना है, अभी जो भी है जैसे कि ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अभी देखो वन माइनस फोर थ्री, बड़ा नंबर कौन सा है, फोर, उसके आगे नेगेटिव साइन। ए तो ऑब्वियसली क्या आंसर आप लोगों का वन आएगा, ठीक है। और ए प्लस डी कितना है, ए ऐसा है, डी कितना है, प्लस फोर फाइव, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ईजी पड़ेगा। ए प्लस टू डी वन प्लस टू, और डी क्या है, फोर नाइन, तो नेगेटिव थ्री वन फाइव एंड नाइन, ओके। तो आप लोगों का ये हो गया, तो आप चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ वाला देखेंगे। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी फोर नहीं नाइन्थ, मैं फोर क्यों बोल रहा हूँ, ओके। इफ द नाइन्थ टर्म इन एन ए पी ज़ीरो, तो पी नाइन्थ है, टी नाइन का कितना है, ज़ीरो, देन शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 29 टर्म इज ट्वाइस, मतलब अगर टी 19 का टर्म, एग्जाम्पल दे रहा हूँ या आंसर नहीं, टी 19 का टर्म अगर दो रहेगा तो टी 29 का फोर होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आप लोगों को इलस्ट्रेट करने के लिए, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, टी 9 का T9 A प्लस 9 माइनस 1 डी, T9 क्या, 0, A प्लस 8 डी। अभी ये A इस तरफ लूँगा या तो मैं 8 इस तरफ ले लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करूँ तो A को यही रखता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, 8 डी हो जाएगा, तो मतलब A इज इक्वल टू नेगेटिव 8 डी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, T19 लेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा T19 अगर 2 रहेगा तो T29 का डबल होना ज़रूरी है, मतलब फोर होना, मतलब वो आंसर नहीं एग्जैक्ट, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस 19 माइनस 1 डी, तो T19 का तो मुझे नहीं मिला अभी तक कुछ वैल्यू, लेकिन ए का है माइनस 8 डी और ये 18 डी। T19 का क्या है स्टूडेंट्स, देखो क्या आ रहा है, 8 प्लस एंड माइनस माइनस, 8 माइनस 18 इज 10, बड़ा नंबर कौन सा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन, तो मुझे T19 10 डी मिल रहा है, बराबर, ऑल राइट। लेकिन हम लोगों को अभी देखना है कि T29 20 डी होना चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूँगा, T29 लिखूँगा, ए प्लस 29 माइनस 1 डी, ए प्लस, अभी ये 28 डी हो रहा है, अरे यार मैं इतना बड़ा मैं क्यों लिखा। अभी यहाँ पर T29 ए क्या है, नेगेटिव 8 डी, T29 अभी देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस एंड माइनस माइनस, 28 माइनस 8 इज 20 डी, परफेक्ट, बड़ा नंबर कौन सा है इसके आगे, 28, उसके आगे कोई साइन नहीं है। तो आप देख सकते हो अभी T19 10 है, उसका डबल हो रहा है T20, सो देयरफॉर भी नहीं लिखा जा रहा है क्या, T19 is twice T29, ओके। तो इसे भी पॉज कीजिए, आई होप आप लोग ये सब समझ गए हो।